people. I really envy those. राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, लेकिन अब तक उनसे जो मुझे मिला है उसमें अगर मैं कहूँगा एक सर्वश्रेष्ठ उपहार मुझे मिला, तो पिछले दिनों वो मुझे सोची ले गए, और सोची ले गए उतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा आग्रह करके मुझे सीरियस कैंपस में ले गए और आप सब बच्चों के साथ मुझे मिलने का अवसर दिया। अगर वो मुझे वहाँ नहीं ले जाते, सिर्फ मैं सुनता कि भाई ऐसे एक श्रीमान पुतिन ने एक इंस्टीट्यूट खड़ी किए हैं, बच्चे आते हैं, तो मुझे इतना अंदाज नहीं आता जितना वहाँ देख करके मुझे आया। शायद रशिया के भविष्य के लिए राष्ट्रपति पुतिन का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है। उनकी पूरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को, कमिटमेंट को, इमोशंस को इस काम में उन्होंने खपा दिया है। क्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू शेयर हिज थॉट्स। मैं भी भविष्य में भारत के ऐसे होनहार बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आए, आप भी यहाँ लगातार आए, और भारत के और रशिया के होनहार बच्चे मिल करके मानव जात के लिए क्या कर सकते हैं, मानव जात की जिंदगी को सरल बनाने में क्या कर सकते हैं, जो जिंदगी में बड़ी मुसीबत से गुजरते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान हमारी तरफ से हो सकता है, और अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, उनके लोगों से भी हार्टफेल्ट थैंक यू टू प्रेसिडेंट पुतिन फॉर हिज इंस्पायरिंग वर्ड्स। इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है, जब इनोवेशन बंद हो जाएगा दुनिया वहीं अटक जाएगी। हमने देखा है मानव जात का विकास इनोवेशन के कारण संभव हुआ है। इनोवेशन होते रहने वाले, चैलेंज नई आते रहने वाली है, हर पल नया लोग देते रहने वाले हैं, उसमें से नया करते चलें, और हम भावी पीढ़ी को, मानव जात को क्या कुछ दे सकते हैं। गरीब से गरीब की व्यक्ति की जिंदगी, एक प्रकार से ईज ऑफ लिविंग, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हमारा समय और शक्ति लगेगा तो हमें भी जीवन में संतोष मिलेगा। मुझे खुशी हुई इस नई पीढ़ी को, दोनों देश की नई पीढ़ी को मिलने का मौका मिला। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय होगा,